तो दुनिया के जो 20 सबसे शक्तिशाली देश हैं, जब G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है, उनके सामने प्राथमिकताएं ये भी हैं कि ग्लोबल सप्लाई चेन को किस तरह से और उसको उसका जो कहते हैं विकेंद्रीकरण किया जाए, कैसे उसका डेमोक्रेटाइजेशन किया जाए और एक देश पे बहुत ज्यादा निर्भरता जो है वो नहीं रहे। हमारे साथ वेद जैन जुड़े हैं, अर्थशास्त्री, और जयंत कृष्णा, सीनियर फेलो CSIS। चीन की आक्रामकता की जब हम बात कर रहे हैं तो सामरिक या कहें तो कार्टोग्राफिक यानी नक्शे के जरिए जो उसकी आक्रामकता दिखती है साउथ चाइना सी में भारत के साथ जो उसकी लगी सीमा है वहां पे जो हम सैटेलाइट इमेजेस में देख रहे हैं, उससे ज्यादा एक और पहलू है, वो है कि उसकी आर्थिक उसका जो दबदबा है। तो 2020 में जब पैंडेमिक का दौर शुरू हो रहा था, 30% वैश्विक कारोबार जो है वो चीन, हांगकांग और मकाओ से होके गुजरता था, जो कि 2010 की तुलना में और भी ज्यादा था, 5% ज्यादा। तो ऐसे में ये कितनी बड़ी चुनौती है ग्लोबल साउथ के, क्या अहम मुद्दे होंगे जयंत कृष्णा जी? देखिए, ये आपने जैसा कहा कि ओवर डिपेंडेंस कुछ इकोनॉमीज पे, चाइना, ताइवान और हांगकांग, इन इकोनॉमीज पे ओवर डिपेंडेंस जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन्स हैं, उससे उसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ता है। तो पैंडेमिक के टाइम से ही बाकी कई एमएनसीज, कई ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने अपनी सप्लाई चेन को रिलोकेट करने का की जो एक मुहिम तो नहीं कह सकते, लेकिन एक छोटी शुरुआत करी है। जगह आप देखिए, एप्पल आईफोन 14 का जो मैन्युफैक्चर इंडिया में शुरू हुआ है वो उसी एक पहल का एक कदम दिखता है। लेकिन हमें, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा नगमा कोई सेलिब्रेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी और उनकी इकोनॉमी के साइज में अभी भी बहुत फर्क है। हमारी इकोनॉमी 3.5 ट्रिलियन डॉलर की है, चाइना की इकोनॉमी करीब 18 ट्रिलियन डॉलर की है, 5 से 6 गुनी बड़ी है। तो ये जरूर है कि पिछले दो तीन दशकों में जो उनकी GDP ग्रोथ रेट था वो करीब 1.5 से 2% इंडिया से ज्यादा था चाइना का, जो ट्रेंड अब चेंज होता दिख रहा है। अगर आप देखिए तो जो IMF ने प्रोजेक्शंस किए हैं 2027 के, उसमें उन्होंने कहा है कि चाइना की ग्रोथ रेट 4 से 5% के बीच में होगी और भारत की 6.5-7% के आसपास होगी एनुअल ग्रोथ रेट। तो वो जो गैप है वो थोड़ा सा ब्रिज होता दिखता है। और दूसरी एक बात ये भी समझ लें, हमारी जनसंख्या जो है उसने ओवरटेक कर लिया है चाइना को, और 2007 और चाइना के साथ समस्या ये भी है, माफ कीजिएगा जोड़ रही हूँ उसमें, कि एक एजिंग पॉपुलेशन है, और जो चाइना की खासियत कह सकते थे कि यहाँ पे चीप लेबर और वर्क फोर्स बहुत ज्यादा था, वो लेबर भी चीप नहीं रहा और पॉपुलेशन भी जो है उसकी वो और ज्यादा बुजुर्ग होती चली जा रही है, ड्रॉप इन फर्टिलिटी रेट भी देखा गया है। जी जी, यू नो इनफैक्ट जो प्रोजेक्शन है 2017 तक चाइना की पॉपुलेशन में करीब 0.8 से 1 करोड़ की घटेगी पॉपुलेशन उनकी नेट टर्म, इसी पीरियड में इंडिया की पॉपुलेशन करीब 7-7.5 करोड़ बढ़ेगी। तो ये पॉपुलेशन का बढ़ना के में एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होता है। एडवांटेज ये होता है कि जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो बढ़ता है अगर हमारी पॉपुलेशन ज्यादा होती है, और अभी हमारे इंडिया के में जी चेजिंग पावर पैरिटी है, उसमें समझना चाह रही थी कि ऐसे में भारत के लिए ठीक है अभी बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, पर जैसा कि विदेश मंत्री ने कल बातचीत में कहा एक सवाल जवाब के दौरान NDTV के खास कार्यक्रम में, कि अमेरिका का जो हाल का दौरा हुआ था उसमें से एक बड़ी बात यह भी थी कि 3 बड़ी कंपनियां अगर ये बोलती हैं कि वो भारत में सेमीकंडक्टर्स की फैक्ट्रीज लगाने के लिए तैयार हैं, अलग अलग क्षेत्रों में उसकी कहीं मैन्युफैक्चरिंग, कहीं कुछ और इस तरह की चीजें अगर होती हैं, तो ये एक बड़ी बात है कि वो जो शिफ्ट है वेद जैन साहब, वो एक तरह से शुरू हुआ है पैंडेमिक के दौरान, जो दिखा कि ओवर डिपेंडेंस है सप्लाई चेन के, डिसरप्शन कितना दिखा। मैन्युफैक्चरिंग की बात हम करें तो 28.4% अकेले चीन से होती है, दुनिया भर में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ये भी एक वजह है जिस तरह की आक्रामकता चीन में दिखती है, वो मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल कर रहा है अगर इतना ज्यादा सप्लाई चेन की डिपेंडेंस वहां पे है। नगमा जी देखिए, मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जाऊं। G20 का जो G7 के बाद बने थे 2008 में लेमन ब्रदर्स के बाद, उसका मेन उद्देश्य ये था कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड ग्लोब, देयर शुड बी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी की जब बात करते हैं तो जैसे आपने कहा कि जो भी सिस्टम है वो डेमोक्रेटाइज हो, लोकतांत्रिक हो, ओवर डिपेंडेंस नहीं है। और जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो 28% आज की डेट में चाइना के ऊपर डिपेंडेंस है सप्लाई चेन की, और उसी की वजह से एक चाइना पे ऊपर एग्रेशन है आज की डेट में,
चाहे वो हमारे इंडिया के साथ कर रहा हो, चाहे वो दूसरे कंट्रीज जो चाहे तो कोरिया और जापान के साथ जो वहां पर कर रहा है वो एग्रेशन, उसे पता है कि आज की डेट में वर्ल्ड की बहुत बड़ी इकोनॉमी की सप्लाई चेन उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और ऐसे में G20 जैसे देश जो हैं जो मिलके जो डिस्कशन करते हैं, स्वाभाविक है कि ये सोचने की जरूरत है कि ओवर डिपेंडेंस एक कंट्री पे होना एक सप्लाई चेन में अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क माना जाता है। पर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर कोविड में 2020 में जैसे सेमीकंडक्टर के ऊपर इश्यू आया तो आपने देखा होगा कि अमेरिका की कंपनी और कंपनियों ने भी बहुत सारी दिक्कत आई। इंडिया में भी आपने देखा होगा कि मोटर व्हीकल ऑटो वाले जो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी इन सबको भी सेमीकंडक्टर की सप्लाई के ऊपर बहुत बड़ा इश्यू आया। और उसी को देखते हुए जिसके पास आज की डेट में जिस किसी को ब्लॉक करने की या किसी को एक्सप्लॉइट करने की या किसी को एक्सट्रॉट करने की जो पॉलिसीज है वो उसका यूज करता है, और चाइना आज की डेट में उसी को टूल बना के यूज करने की कोशिश कर रहा है कि उसे पता है कि वर्ल्ड की इकोनॉमी आज की डेट में सप्लाई चेन उस पर डिपेंडेंट है। तो ऐसे में G20 में ये एक उद्देश्य बन जाता है G20 का कि इस एक्सप्लोटेशन में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हिल जाएगी, क्योंकि जो 2008 में भी हुआ था वो यही हुआ था कि फाइनेंशियल सेक्टर में इंस्टेबिलिटी आई और जिससे आज की डेट में ये मान लिया है कि इकोनॉमी वर्ल्ड की एक कंट्री की दूसरे कंट्री से जुड़ी है। अगर किसी कंट्री की एक इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता है, पर्टिकुलरली वो जो एडवांस इकोनॉमी जो G20 के पार्ट है, वो दूसरी इकोनॉमी को बहुत सीरियसली इफेक्ट कर सकते हैं। इसी के उद्देश्य से चाइना ने चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंस है उसको कम करने की जरूरत है, और जो एग्रेशन चाइना का अगर एड्रेस करना है और जो वर्किंग करनी है उसमें एक ही तरीका है कि आप सप्लाई चेन में दूसरे कंट्री को वो वर्किंग दे, मौका दे। और जैसे भारत G20 में आपने G20 का ये एक बड़ा फोकस होगा जयंत कृष्णा साहब के जो सप्लाई चेन में हावी है चीन, उसकी जो आक्रामकता और भी जगह दिख रही है उसको अगर काउंटर करना है तो ये भी जरूरी है कि दूसरी देशों को वहां पे जगह मिले, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी कुछ शिफ्ट हो। और भारत कितना आपको इसके लिए तैयार दिखता है? मैन्युफैक्चरिंग का 28.4% अकेले अभी भी चीन से है और वो शिफ्ट कुछ दिखाई दे रहा है। डिपेंडेंस कम करने की भी बात है पर इस समय वो मैन्युफैक्चरिंग की शिफ्ट जो है वो कैसे दिख रही है आपको होती हुई? देखिए नगमा, वो जो मैन्युफैक्चरिंग की शिफ्ट है उसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन मुझे लगता है उसकी वेलोसिटी और ज्यादा होनी चाहिए। भारत को एक ज्यादा हंगर दिखाने की जरूरत है ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को सॉलिसिट करने के लिए या सप्लाई चेन के रिलोकेशंस को इंडिया की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है हमारी, वो उसमें थोड़ा इजाफा हुआ है बट हमें लगता है उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी की, उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। हमारा एजुकेशन सिस्टम में और स्किल्स का जो क्षेत्र है उसमें रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमने देखिए, अगर आप इंडिया और चाइना की इकोनॉमी को कंपेयर करिए तो हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, हमारे भी सक्सेसफुल हुए थे, उनके भी सक्सेसफुल हुए थे, लेकिन उन्होंने इकोनॉमी की सक्सेस के बाद जो सरप्लस जनरेट हुआ कंट्री में उसको प्लाउ बैक किया था अपनी यूनिवर्सिटी सिस्टम में, हायर एजुकेशन में, स्किल्स में, उसमें हम लोग कहीं पीछे रह गए। तो हमें लगता है वो एक स्किल्स में और हायर एजुकेशन में खासतौर से बहुत बढ़ोतरी करने की जरूरत है। और एक्सपोर्ट सेंट्रिसिटी हमारी जो इकोनॉमी की है वो अभी कम है फिलहाल, वो बढ़ाने की जरूरत है। तो वो कुछ कुछ शुरुआत हो रही है लेकिन हमें जी बिल्कुल ये शिफ्ट भी देखा जा रहा है और ज्यादा, जैसे आपने कहा कि इसमें गति की जरूरत है। भारत के लिए अच्छी बात है कि भारत की आबादी जो है वो चाइना से अब ऊपर है, तो इसको अगर आप अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकें तो ये इसके लिए एक बोनस हो सकती है। चाइना के पास अब वर्किंग एज की पॉपुलेशन जो है उसमें कमी आई है। शुक्रिया आपका जयंत कृष्णा और वेद जैन हमारे साथ जुड़ने के लिए।